गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन लेट्स स्टार्ट क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड चैप्टर 5 फ्रैक्शन एंड टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5B ऑफ एस चांग पब्लिकेशन बुक। सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5B ऑफ एस चांग पब्लिकेशन बुक। द क्वेश्चन नंबर 1 इज रिप्लेस स्टार, रिप्लेस द स्टार बाय ग्रेटर देन less than or equal to make the statement is true। It means यहाँ पर आपको find करना है who is bigger and who is smaller of fractions। कौन सा बड़ा fractions है, कौन सा छोटा fractions है, ये find करना है। मेरे पास I have 3 rules। If denominator are same, if numerator are same, if numerator and denominator both are not same। हमारे पास तीन नियम हैं। फर्स्ट नियम जो है वो है डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब लाइक फ्रैक्शंस है। तो क्या यहां पर लाइक फ्रैक्शंस हैं, यहां डिनोमिनेटर सेम है? यस। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शंस बड़ा होता है। देयरफॉर वी से दैट 2/9, 5/9 इज द लाइक फ्रैक्शंस। 2 and 5, who is bigger? 5 or 2? 5. Therefore, 5/9 is greater than 2/9. Next, second part, 3/4, 9/12. Not same denominator but and not same numerator. Not the denominator same है, ना ही numerator same है। इसलिए क्या करेंगे? ऐसे question को solve करने के लिए cross multiply, की cross multiply, 3, 4, 12 से लिखेंगे किधर? लेफ्ट साइड में। अगर राइट में लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। ये बहुत केयरफुल है। 3 × 12 = 36 बोथ साइड आर इक्वल। इट मींस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। 9/12 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। 3/4 और 9/12 दोनों इक्वल है बट देखने में इक्वल नहीं है क्योंकि रियल वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, देन वी से दैट 3/4 एंड 9/12 बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यस। पार्ट 3, 3/13, 4/15, neither denominator same nor numerator same। ना तो denominator same है ना ही numerator same है, इसलिए we use cross multiply। cross multiply 3 × 15, 3 × 15 root in left side and 13 × 4 root in right side। तो 15 किया 45, 13 किया 52। Who is bigger? 45 and 52. Who is bigger? 45 and 52 में बड़ा कौन है? 55, 52। Yes, yes, yes. Okay. Next, यहाँ भी numerator denominator दोनों same ही हैं। We use cross multiply. 5/12, 5 × 13, 13, and 12 × 17, 35 = 150 and 12, 17 = 34, 3, 17, 1 = 20। Who is bigger? 204 or 120? 204। Therefore, comparison of two fractions are 1/5 or 1/10. Who is bigger? अब देखो 1/5 और 1/10 ये फिफ्थ पार्ट है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है बट न्यूमरेटर सेम है। ये न्यूमरेटर और सेम, यहां पर न्यूमरेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो इस स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर इज बिगेस्ट फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। 1/5 1/10 में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर छोटा इसका है इसलिए ये बड़ा। ओके, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। अरेंज द फॉलोइंग sets of fraction in ascending order। Arrange the following sets of fraction
इसको ascending order में arrange करना है, okay? Ascending order means smallest to biggest. First of all, हम देखेंगे कि जो fractions given हैं, वो like हैं, unlike. So these are like fractions. These are like fractions. It means denominator same. सबका denominator same है. अब denominator same है, तो हम करेंगे क्या? Ascending order में arrange करना है. It means smallest to biggest. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा. तो मुझे लिखना है एसेंडिंग ऑर्डर. इसमें एसेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा डिनोमिनेटर सबका सेम है. इट मींस लाइक फ्रैक्शन है 4 10 9 7 सबसे छोटा 4. इट मींस 4 बाय 13 सबसे छोटा है. इससे बड़ा 4 से बड़ा 7 7 अपॉन 13 फिर से बड़ा 9 अपॉन 13 फिर से बड़ा 10 बाय 13. ओके तो देयरफॉर ये पार्ट आपको समझ में आ गया कि एसेंडिंग पार्ट में करना क्या है. अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो स्मॉलेस्ट टू नेक्स्ट. सेकेंड पार्ट जो दिया है वो है समझ में आ गया. सेकेंड पार्ट 5 by 6 4 by 9 एंड 1 by 4. अब देखेंगे इसके लिए ना ही न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शंस को में चेंज करेंगे. चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शंस. तो 5 by 6 4 by 9 एंड लास्ट 1 by 2. इन तीनों फ्रैक्शंस का लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे. अब गिवन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे. तो 6 एलसीएम ऑफ 6 9 4 तो 6 9 4 का एलसीएम 2 3 9 2 अगेन 2 3 9 1 अगेन डिवाइड बाय 3 1 3 1 अगेन डिवाइड बाय 3 1 3 3 का 9 9 2 का 18 18 2 का 36 LCM equal to 36. सबके डिनोमिनेटर का LCM क्या गया 36. तो सबके डिनोमिनेटर को 36 बनाना है. 36 डिनोमिनेटर सबका होना चाहिए. ऑलरेडी यहां पर लिखा गया है 6. इसको 36 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में. तो 6 से अगर डिनोमिनेटर में किया तो 6 से ही न्यूमरेटर में कर दो मल्टीप्लाई 6. तो 5 6 का 30 एंड 6 6 का 36. ओके डिनोमिनेटर 36 हियर डिनोमिनेटर इज 9 टू मेक 36 इज 9 टू 36 देयरफॉर 4 बाय 9 मल्टीप्लाई 9 टू 36 4 जा 9 4 जा 36. तो 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किया तो 4 न्यूमरेटर में भी कर दो जिससे कि वैल्यू चेंज ना हो क्योंकि वैल्यू फिक्स हो जाए. 4 4 जा 16 एंड 9 4 जा 36. नेक्स्ट फिर हम करेंगे 1 by 4 को 36 बनाना है. 4 9 का तो 9 डिनोमिनेटर 9 मीटर 9 मीटर 9 अपॉन 36. देयरफॉर एसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा. हियर चेक करो डिनोमिनेटर सेम हो गया 36 36 36. एसेंडिंग मींस स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. तो न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो छोटा 13 16 9 सबसे छोटा मिला था 9. इट मींस 9 by 36 इज स्मॉलेस्ट. इससे बड़ा 16 by 36 इससे बड़ा 30 अपॉन
36 सबका डिनोमिनेटर जैसा हो गया तो हम करेंगे क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 9/6 इज ऑब्टेन फ्रॉम 1/4 16/36 इज ऑब्टेन फ्रॉम 4/9 एंड 30/36 इज ऑब्टेन बाय 5/6 हियर मैंने क्या कर दिया अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके एसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे वो मैं एक्सप्लेन किया फर्स्ट ऑफ ऑल ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम कट दिया डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 6 6 9 4 का एलसीएम 36 सबके डिनोमिनेटर को होना चाहिए 5/6 मैंने लिख दिया इसको 36 होना चाहिए इट मींस 6 को मल्टीप्लाई 6 टाइम करेंगे तो 36 आएगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है एसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट करना था ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज द फॉलोइंग इन द सेट्स ऑफ फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड 3/4 1/6 एंड 5/8 अनलाइक फ्रैक्शंस These are unlike fractions. Reason, denominator or not same. Neither denominator nor numerator. ना तो denominator ना ही numerator दोनों ही same नहीं है. First of all, change into like fractions. इन fractions को like fractions में change करेंगे तो 3/4, 1/6 और 5/8 इनको like fractions में change करना है. LCM आप निकालेंगे LCM of 4 6 8 equal to 4 6 8 2 2 3 4 again 2 1 2 3 2 2 again 2 1 3 2 sorry one three 1 1 It means 2 to the 4 to the 8 to the 24. So therefore, denominator is 6. LCM of 6, 4 and 8 is 24. इसका मतलब सबके denominator को 24 होना चाहिए. It means 3/4 है. तो इसको 24 होना चाहिए. 6 से multiply करो. 6 से numerator में. 6 3 जा 18. 6 4 जा 24. ऐसे ही 6 है. इसको 24 चाहिए. 6 4 जा 4 डिनोमिनेटर में तो 4 न्यूमरेटर में 4 बन जा 4 6 4 जा 24 ये डिनोमिनेटर इज 8 इसको भी 24 नेक्स्ट मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 5 3 जा 15 अपॉन 24 तो डिनोमिनेटर सबका 24 हो गया यहां भी डिनोमिनेटर 24 यहां भी डिनोमिनेटर 24 यहां भी डिनोमिनेटर 24 तो जब डिनोमिनेटर सबका 24 हो गया देन वी सेड दैट और मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए डिसेंडिंग मींस होता है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इन दिस फ्रैक्शन सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा लाइक टर्म साइड 18 इन न्यूमरेटर 4 15 तो 18 इट इज 18 बाय 24 इज बिगेस्ट फ्रैक्शन नेक्स्ट 15 बाय 24 नेक्स्ट 4 बाय 24 बट जो फ्रैक्शन था वो इस बार में था तो हम चेंज कर देना 18/24 इज ऑब्टेन फ्रॉम 3/4 तो इसको 3/4 लिखेंगे एंड 15/24 इज ऑब्टेन फ्रॉम 5/8 एंड 4/24
from 1 by 6, therefore, ये आपका answer हुआ descending order. कैसे आपने decision लिया? सबसे पहले denominator का LCM लिया, 4, 6 and 8 का LCM, LCM of 4, 6 and 8 we get 24. तो सबके denominator को 24 बनाना है, it means equivalent fraction find करना है, सभी even fractions का. Find the equivalent fractions of all given fractions to make our denominator 24. सबके denominator को 24 बनाते भी equivalent fraction find करना है. 3 by 4 है, इसे 24 चाहिए था, 6 से multiply किया, तो 6 से numerator भी कर दिया, 6 4 जा 24, 8 3 जा 6 3 जा 18. 6 है, 24 चाहिए था, 6 4 जा 24, 4 denominator में, तो 4 numerator में 6 4 जा 24, 4 जा 24, okay? 8 है, 24 चाहिए था, 8 3 जा 24, then 3 multiply, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, then we change these 3 fractions into equivalent fraction. यहाँ 24, यहाँ 24, यहाँ 24, सबका denominator 24 हो गया. तो हमने क्या किया? यहाँ descending order चाहिए. It means yes, two smallest चाहिए. बड़े से छोटे की ओर चाहिए. तो बड़े से छोटा इसमें बड़ा क्या हो गया? जब line fraction हो गया तो जिसका numerator बड़ा, वो बड़ा हो गया. 18 सबसे बड़ा है. तो 18 by 24 सबसे बड़ा. फिर उससे छोटा 15 by 24, फिर उससे छोटा 4 by 24. अब ये fractions की term में नहीं चाहिए था. मुझे जो number था वो 3 by 4, 1 by 6, 5 by 8 का number था. तो 18 by 24 is obtained from 3 by 4, it means ये equivalent है इसकी, तो इसकी place में हमने 3 by 4 ले दिया, इसकी place में मैंने 5 by 8 ले दिया, लेकिन ये और ये equivalent है. 4 by 24 के place में 1 by 6 ले दिया, therefore question number 1 का second part is complete. Third part पे आते हैं, third part है 4 by 15, 11 by 21, 7 by 7 and 2 by 3. Okay, अब यहाँ हमें descending order में चाहिए था, तो first of all LCM of 15, 21, 7 and 3. इन सब का LCM calculation करेंगे. Equal to तो 15, 21, 7, 3. 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 7 1. Next line में 5 आएगा, 1, 7, 7, 1. Next line में 7 आएगा, 1, 1, 1. 5, 3, 15, 15, 7, 105. It means, we know the LCM of 105 हुआ, it means, सबके denominator को, इन सभी fraction को, equivalent fraction में change करना है, जबकि denominator 105 होना चाहिए. तो लिखा क्या था मेरे पास, फर्स्ट जो फ्रैक्शन था वो था 4 by 15, और 4 by 15 सेकंड फ्रैक्शन 11 अपॉन 21, थर्ड फ्रैक्शन 1 by 7 एंड लास्ट फ्रैक्शन 2 by 3. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको मुझे 105 होना चाहिए. 4 by 15 इज मल्टीप्लाइड 15, यह 15, 15 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 न्यूमेरेटर एंड 7 डिनोमिनेटर, 7 4 जा 28, 15 7 जा 105. नेक्स्ट 11 अपॉन 21, 21, 7 3 जा 21 होगा, ऐसे से क्या जाएगा 5, इसलिए 5 से न्यूमेरेटर में और 5 से डिनोमिनेटर में 11 5 जा 55 एंड 21 5 जा 100. नेक्स्ट डिनोमिनेटर 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 3 5 का 15. तो 1 by 7 इज मल्टीप्लाई 15 अपॉन 15, देयरफॉर 15 1 जा 15 और 15 7 जा 105. ओके, नेक्स्ट 2 by 3 मल्टीप्लाई 3 है, इक्वल हो गया 15 7 5 का 35 आएगा, तो 35 डिनोमिनेटर में और 35 न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई किया. कैसे किया मैं एक बार फिर से बताता हूं, यहां डिनोमिनेटर 3 है, 3 को हटा दो, बचा क्या 5 और 7, 5 7 जा 35, इसलिए 35 ये हो जाएगा 35 2 जा 70 अपॉन 105. अब देखो ये सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, ये भी लाइक, ये भी लाइक, ये भी लाइक, ये भी लाइक, सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं. रीजन ऑल द फ्रैक्शंस हैं.
descending order. This order means descending order. numerator se numerator cancel nahi hota denominator se numerator ya numerator se denominator it means
5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आंसर। नेक्स्ट 3 by 11 of rupees 44, it means of means multiplying 3 by 11, तो 11 बन जा, 11 4 जा, तो 4 3 जा 12 rupees। नेक्स्ट 11 by 80 of 411, तो it means 11 upon 80 of means multiplying is 400। अब देखो डिनोमिनेटर में जीरो, ये जीरो कैंसिल, 8 वन जा, 8 फाइव जा, इट मींस आंसर क्या आएगा, ये 11 है और ये 5 है, बोथ आर मल्टीप्लाई, देन वी गेट 55 ml मिलीलीटर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इसमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, because ये सभी देखो इसके denominator को अगर हम चेक करें तो denominator देख रहे हैं 12 9 3 50, denominator same नहीं है, numerator 3 5 1 4, numerator भी same नहीं है, तो first आप इसमें से इसको इस fraction को compare करना है कि कौन सबसे छोटा है या कौन सबसे बड़ा है, इसके like fractions होना चाहिए या cross multiply का multiply use कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज किया जाए, तो 4 इस 12 को अगर हम करें इस सिंपलीफाई करें इस 12 9 3 और 15 का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 12 9 3 15 इन चारों का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा 12 9 3 15, तो 3 4 जा, 3 3 जा 1 5, नेक्स्ट 3 4 1 1 5, नेक्स्ट 5 4 और ये 1 1, अब यहां 4 है और कोई नंबर नहीं, इसमें 4 होगा, 5 3 जा 15 3 जा 45 और 45 4 जा 180 आएगा, 3 5 जा 15 3 5 जा 15 15 3 जा 45 45 4 जा 45 4 जा 180, इसका मतलब LCM is 180। अब 180 उसे बनाना है और 180 बनाने के लिए देखो ये 12 है, इट मींस ये 4 15 आएगा, 3 4 जा 2 जा 4 15, इट मींस इस डिनोमिनेटर को 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस, तो 15 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को भी, ओके 3 5 जा 45 अपॉन 180, ओके। अब यहां पर देखा जाए 9 है, इसे 180 बनाना है, तो 9 को 180 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 से न्यूमरेटर में भी 25 जा 100, 9 को जा 29 जा 180, सिमिलरली 1 by 3 है, इसे 180 चाहिए, तो 3 से 3 5 जा 15 15 जा 30 30 जा 60, 60 से मल्टीप्लाई 60 से न्यूमरेटर 60 अपॉन 180 आएगा, ओके हियर 4 by 15, तो हम करेंगे 4 by 15 मल्टीप्लाई 15, 3 5 जा 15, क्या बच गया मेरे पास, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 से क्या मिलेगा 12 से मिलेगा 4 12 4 जा 48 और 12 15 जा 180, अब बोलो डिनोमिनेटर 180 डिनोमिनेटर 180 डिनोमिनेटर 180 डिनोमिनेटर 180 45 न्यूमरेटर 160 48, अब बोलो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, न्यूमरेटर सबसे बड़ा 100 है और सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या है 45 45, देयरफॉर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन
is 3 by 12. ये आपका आंसर। सबसे पहले हम सभी फ्रैक्शंस को लाइक में चेंज किए और लाइक में चेंज कर दिया, सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 180, तो सबके डिनोमिनेटर को 180 बनाया। फिर न्यूमरेटर देखो क्या हो गया, न्यूमरेटर 45, 160, 48, तो न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो फाइंड करना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन आपको क्या मिला, सबसे छोटा फ्रैक्शन आपका ये मिला, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। वेयरफॉर क्वेश्चन नंबर 7 की, मिसेस वर्मा स्प्लिट ए बैग ऑफ चॉकलेट अमंग फोर चिल्ड्रन पायल सुर राज एंड लॉरा गॉट arrange the name of children in order from least to greatest. It means एक बैग है उसमें चॉकलेट भी है, चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया फोर स्टूडेंट्स में और आपको अरेंज करना है कि सबसे कम चॉकलेट किसको मिला और सबसे ज्यादा चॉकलेट किसको मिला, उसको अरेंज करना है नंबर ऑफ चॉकलेट रिगार्डिंग में इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको कितना चॉकलेट मिला ये फाइंड आउट करने के लिए हम फ्रैक्शंस देखेंगे। फर्स्ट नेम इज मिसेस वर्मा स्प्लिट ए बैग ऑफ चॉकलेट अमंग फोर चिल्ड्रन पायल गॉट्स पायल को मिला 7/15 ओके। नेक्स्ट सेकेंड नेम सुब got 7/8 and last Raj got 7/20 in last Lara got 7/18 Mrs. Verma split a bag of chocolate. Mrs. Verma split a bag of chocolate among four children, Payal, Sub, Raj and Lara. Arrange the name of children in the order of from least to greatest number of chocolate. इसके नाम को अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, वो फाइंड आउट कर लिया जाए। तो जब किसी फ्रैक्शंस को बड़ा या छोटा पहचान करना होता है तो हम देखते हैं क्या वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब डिनोमिनेटर सेम है, 15, 8, 20, 10, 9, क्या न्यूमरेटर सेम है, क्या न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर की लाइन देखो 7, 7, 7, 7, 7 यस न्यूमरेटर सेम है, हियर न्यूमरेटर इज सेम। तो जब न्यूमरेटर सेम है तब तो बहुत इजी हो गया, नेम इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट इट मींस असेंडिंग ऑर्डर। लिस्ट टू असेंडिंग तो लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, अब छोटे से बड़ा तो मैं देखूंगा 7, 7, 7, 7 न्यूमरेटर सबका इक्वल है, जब न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा जो होगा वो छोटा हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो छोटा होगा 20, 8, 15, 10 लिस्ट नंबर हो गया। इट मीन्स राज सबसे पहले आएगा, राज को सबसे कम चॉकलेट मिला। नेक्स्ट इससे ज्यादा किसको मिला, अब देखो डिनोमिनेटर बड़ा था इसलिए छोटा हो गया, इससे ज्यादा डिनोमिनेटर ये है पायल। इससे ज्यादा चॉकलेट किसको मिला, राज सॉरी एक सॉरी लारा, और सबसे ज्यादा चॉकलेट अगर किसी को मिला तो सुब ओके।
मिसेस वर्मा के पास चॉकलेट का एक बैग है, उस चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है चार लोगों में, पायल को देना है, सुख को देना है, राज को देना है, लाला को देना है, पायल को सेकंड बाई 20 चॉकलेट मिल गए, सुख को सेकंड बाई 8 मिल गया, राज को सेकंड बाई 20, लाला को सेकंड बाई 20। अब अरेंज करना है लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ा, सबसे अब देखो न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा छोटा, ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ओके, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 8 सेज ऑर्डर देयर ओन स्मॉल पिज्जा ऑफ सेम साइज। मारिया ईट्स 3/4 ऑफ हर पिज्जा। मारिया ईट्स 3/4। नेक्स्ट राहुल, राहुल ईट्स 7/12। थर्ड रोनी ईट्स 3/5। And last, Winnie five by six. Okay. ये four students हैं, इन्होंने अपने खुद के लिए एक पिज्जा ऑर्डर किया, एक ही साइज का पिज्जा। जितना बड़ा पिज्जा एक बार था उतना ही बड़ा एक बार था, उतना ही बड़ा एक बार था, उतना ही बड़ा एक बार था। सबकी साइज, सबकी पिज्जे की साइज सेम थी, बट सबने जब खाना स्टार्ट कर दिया तो मान्यों ने थ्री फोर पार्ट ऑफ द पिज्जा खा लिया। राहुल ने अपने पूरे पिज्जे का 7/12 पार्ट खा लिया, रोनी ने पूरे पिज्जे का 3/5 पार्ट ऑफ खा लिया, और विनी ने 5/6 पार्ट ऑफ ने खा लिया। अब आपसे कहता है क्वेश्चन क्या करना, हु एट द मोस्ट अमाउंट ऑफ पिज्जा, किसने पूरे पूरे पिज्जे का सबसे ज्यादा पार्ट खाया, इट मींस इसमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि बड़ा पहचान करने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के लिए या तो डिनोमिनेटर सेम हो या तो न्यूमरेटर सेम हो, तो ना ही डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 4, 12, 5, 6 4, 12, 5, 6 सबसे पहले 2 से 2 जा 4 6 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, नेक्स्ट डिवाइड बाय 2 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 3 नेक्स्ट टाइम में 3 आएगा, 1, 1, 5 फिर लास्ट में 5 1, 1, 1, 1 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 16 तो एलसीएम आपका क्या आ गया, 60 एलसीएम आ गया। इट मींस सबके डिनोमिनेटर को 60 बना दिया जाए, पहले सबके डिनोमिनेटर को हम क्या बना दें, 60 बना दें, बस पता चल जाएगा। तो 4 हियर 3/4 है, डिनोमिनेटर को 60 बनाना है, तो ये 2 जा 4 खत्म हो गया, बचा क्या, 3/5 का 15, इस 15 से न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, देखो 60 हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर 15 फोर जा 60 हो गया, 15 3 जा 45, ओके। अब यहाँ 60 करना है, 12 में आ लेगी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये खत्म हो गया, बचा 5 से मल्टीप्लाई करो 7/12, तो 5 से डिनोमिनेटर ले लिया और 5 से न्यूमेरेटर, 7 5 का 35 अपॉन 60, इसको देखो ये 5 है, इसका मतलब ये 5 फिनिश हो गया, तो बचा क्या, 2 2 जा 4 3 जा 12, इसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/5 मल्टीप्लाई 12 न्यूमेरेटर और 12 डिनोमिनेटर, 12 3 36, 5 12 5 60, ओके। अब 5/6 है, 5/6 तो 5/6 लिखो, डिनोमिनेटर में 6 तो 3 2 6 खत्म, 2 5 10, 10 से न्यूमेरेटर में और 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, 5 10 15 और 6 10 60। अब देखो आपने क्या चेक किया, डिनोमिनेटर 60 हो गया,
न्यूमेरेटर को किसका बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है टू एट द मोस्ट अमाउंट ऑफ पिज्जा, किसने सबसे ज्यादा पिज्जे का पार्ट खाया। सबके पास अलग अलग पिज्जा था, सबके पिज्जे की साइज सेम थी, राहुल ने 45, 35, 36, 50। तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, ये 50। इसका मतलब सबसे ज्यादा बिन्नी अपने पूरे पिज्जे का पार्ट खा लिया, देयरफॉर ये ग्रेटेस्ट फंक्शन है, ये सबसे लार्जेस्ट है। ये सबसे बड़ा हो गया, देयरफॉर आप कह सकते हैं सो नेम क्या है, बिन्नी the most amount of pizza, बेनी सबसे ज्यादा पिज्जा खा लिया, और सबके पास एक सेम साइज का पिज्जा था, सेम साइज का पिज्जा था, सबसे ज्यादा पिज्जा किसने खाया, बेनी ने। ओके, therefore question number 9 is complete।